लेबरन माजरी पर स्वागत करुच्छे एटी आप बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स टू थर्ड सेमेस्टर रो फोर्थ यूनिट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ओके एंड यार तीन टा यूनिट ऑलरेडी हमें कंप्लीट कर सारी फोर ईयर सीरीज बीटा गामा फंक्शन एंड फ्रोबेनियस मेथड एंड स्पेशल फंक्शन जो तुम्हें देखना तुम जाइए देखने प्ले लिस्ट है एटी हम पढ़े पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ओके सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ओके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन बाहर करवा बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड तुम्हें क्लास 12th मैथमेटिक्स पढ़ी थो डिफरेंशियल इक्वेशन रे ओके आटा थी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन गोटे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कौली सॉल्व करा जाए सीटा तुम्हें जाथ किंतु इटे हम पढ़ा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ओके आ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौली थी देखो जदि गोटे फंक्शन यू ऑफ एक्स कमा वाई ओके यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई देन यार जब डेरिवेटिव बाहर करवा देन कौन हम पार्शियल डेरिवेटिव ओके जेहेतु दुईटा वेरिएबल अच्छे एक्स एंड वाई तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रे भी हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई रे भी हम तो मन कर यार डिफरेंशियल इक्वेशन है डो यू बाय डो एक्स प्लस डो यू बाय डो वाई प्लस टू एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो या कहुए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ओके यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई तो यू रो डेरिवेटिव हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रे भी एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई रे भी ओके तो मन कर डिफरेंशियल इक्वेशन है एटा ओके देन या आम सॉल्व करवा बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ओके को भली सॉल्व करा जाए सीटा आम देखा जो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन था डी एक्स बाय डी वाई ओके डी एक्स बाय टू डी वाई टू एक्स वाई एठी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली ओके जो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन थे को भली सॉल्व करा जाए सर तुम जान ओके कितने ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन बाहर करुचे तो फर्स्ट कौन करा जाए देखो जदि इटी यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई तो फर्स्ट आम कंसीडर करवा जे लेट यार सॉल्यूशन ओके यार सॉल्यूशन हूँ यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई ओके यहाँ हूँ फर्स्ट पॉइंट ओके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर फर्स्ट मेथड हूँ यहाँ फर्स्ट आम कंसीडर करवा जहाँ भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ओके जहाँ भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है से फंक्शन को देखो से फंक्शन रे केतरा वेरिएबल अच्छे ये एक्स एंड वाई वेरिएबल अच्छे ओके तो यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स ओके एक्स होची फंक्शन ऑफ एक्स कैपिटल एक्स होची फंक्शन ऑफ एक्स एंड कैपिटल वाई होची फंक्शन ऑफ वाई ओके जेहेतु दुईटा वेरिएबल से फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई ओके ये फर्स्ट कंसीडर करा जाए जदि यूटा फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड जदि थांता देन एटा ही थांता यू इज इक्वल टू एक्स कमा वाई कमा जेड ओके तापोरे ये सब वैल्यू पुट करके फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई रो वैल्यू बाहर करा जाए आ से सब वैल्यू को आणिकी इक्वेशन वन रे कि टू रे जहाँ भी नेमिंग कर इक्वेशन रे पुट करा जाए देन से यू इज इक्वल टू दिस ओके सीटा हम फाइनल सल्यूशन ओके एग्जांपल्स करे जानपर तो जदि तुम नोट्स लिखुच देन को भी लिखो देखो इन दिस मेथड द गिवन फंक्शन डिपेंड्स ऑन सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओके जेहेतु पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो जो फंक्शन टा थिबो से रे का पर डिपेंड करबो सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन वेरिएबल पे से डिपेंड करबो ओके दिस वेरिएबल्स इन्वॉल्व स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट ओके स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हेथिबो ओके देन नाउ द गिवन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ सेवरल फंक्शंस ईच ऑफ व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जोटा मुझे कही देख ओके नाउ द गिवन फंक्शन इज एक्सप्रेस गिवन फंक्शन टा यू तो यू को हम एक्सप्रेस करले प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फंक्शन एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड कैपिटल वाई इज ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली ओके सेटा एटी कोई एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ सेवरल फंक्शन में दुईटा फंक्शन नहीं छे ईच ऑफ व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओके आउट ईच फंक्शन केवल मात्र गोटे वेरिएबल पर ही डिपेंड करुच्छे एक्स हूँ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड वाई हूँ फंक्शन ऑफ वाई ओनली ओके नाउ एग्जांपल्स देखो इफ द गिवन फंक्शन यू डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई कमा जेड ओके जो फंक्शन यूटा एक्स वाई एंड जेड तीन टा कोऑर्डिनेट उपरे से डिपेंड करुच्छे देन इफ कैपिटल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली कैपिटल वाई इज ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली एंड कैपिटल जेड इज ए फंक्शन ऑफ जेड ओनली देन द गिवन फंक्शन इज रिटन एज यू इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड ओके दुईटा थी बोल कि एक्स इंटू वाई लिखले आज तीन टा था बोले एक्स इंटू वाई इंटू जेड ओके ये फर्स्ट लिखा जाए तापर ये जो यू वैल्यू बाहर ला
ओके यू वैल्यू को लेकिन ये पुट करा जाए जो गिवन इक्वेशन दिया ही थी वो सेटी पुट करा जाए ओके दिस इज सब्स्टिट्यूटेड इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन द इक्वेशन इज सेपरेटेड इनटू थ्री डिफरेंशियल इक्वेशन ओके तो नेक्स्ट कौन करवा जो वैल्यू बाहर जो वैल्यू आम फर्स्ट लेट करे से वैल्यू को लेकिन ये पुट करा जाए यू जो जगह अच्छी से जगह पुट करा जाए एंड देन या सॉल्व कला सेवरल डिफरेंशियल इक्वेशन रे आमे ताकु बाहर करवा ओके सेपरेट सेपरेट करवा इटे तीन दुईटा वेरिएबल जदि अछि देन एटा दुईटा डिफरेंशियल इक्वेशन बाहरबो जदि तीनटा वेरिएबल अछि देन एथिर ही तीनटा डिफरेंशियल इक्वेशन बाहरबो ओके देखो इटे जेंती आमे फर्स्ट तीनटा वेरिएबल नै छै एक्स एंड वाई एंड जेड बोलि कि सेति पय देन द इक्वेशन इज सेपरेटेड इनटू थ्री डिफरेंशियल इक्वेशन बोलि लिखले जदि दुईटा नै थांते इटे एक्स एंड वाई देन इटे लिखाय थांता टू डिफरेंशियल इक्वेशन ओके देन ईच डिफरेंशियल इक्वेशन विल कंटेन ओनली सिंगल वेरिएबल जो दुईटा कि तीनटा डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेट करवा से डिफरेंशियल इक्वेशन रे केवल मात्र गोटे ही वेरिएबल रहिबो ओके एटा तो खाली थ्योरीटा एग्जांपल्स देखले बुझि परबो देखो एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी मींस डिफरेंशियल इक्वेशन ओके तो डिफरेंशियल इक्वेशन टा गिवन अछि 2x into dou u by dou x minus 3y into dou u by dou y is equal to 0 तो u टा एठी विथ रिस्पेक्ट टू x रे भी डेरिवेटिव होची u टा एठी विथ रिस्पेक्ट टू y रे भी डेरिवेटिव होची एंड इटा होची पार्शियल डेरिवेटिव ओके तो एठी जणा पडला जे u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y ओके एटा u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y तो यार सॉल्यूशन आमे एठी बाहर करबा ओके तो गिवन कोन अछि देखा सॉल्यूशन रे गिवन अछि 2x डो यू बाय डो एक्स माइनस थ्री वाई डो यू बाय डो वाई इक्वल्स टू जीरो या को देदेव इक्वेशन 1 ओके तो फर्स्ट मेथड कौन फर्स्ट मेथड एटा लेट यूज इक्वल टू एक्स इंटू वाई जोटा आम थ्योरी पढ़ीचे तो से लेट यू इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई से फंक्शन लिखा है यूज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई से एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ वाई ताको आम सिंपल ए भी लिखने मत हम u इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई लिखने मत हम कि कैपिटाल लिखे ओके कैपिटाल एक्स कैपिटाल वाई नाउ ये वैल्यू को लेकिन ये पुट कर जो गिवन अच्छे इक्वेशनटा तो इक्वेशनटा कौन गिवन अच्छे इक्वेशन वन टा तो ये जो u इज इक्वल टू लिखले आम इक्वेशन रे पुट कर तो देख 2x इंटू डो यू यू जगह लिखा एक्स वाई ओके तो डो एक्स वाई डिवाइड बाय डो एक्स माइनस थ्री वाई डो यू थी यू जगह लिखा एक्स वाई डो एक्स वाई डिवाइड बाय डो वाई इक्वल्स टू जीरो ओके नाउ देख एटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रे गोटे डेरिवेट होगा गोटे हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई रे एटा होती विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रे एटा होती विथ रिस्पेक्ट टू वाई रे तो ये वाई टा कन्स्टांट आउ ये एक्सटा कन्स्टांट जेहेतु विथ रिस्पेक्ट टू वाई रे हो तो यार एनली डेरिवेटिव हम एक्सटा कन्स्टांट तो ताको आउटसाइड नवा ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रे तो यहाँ हूँ फंक्शन ऑफ एक्स से यार केवल ये डेरिवेटिव हम वाई टा कन्स्टांट तो सी आउटसाइड जीव तो 2x y टा आउटसाइड पड़ेगा डो एक्स डिवाइड बाय डो एक्स माइनस थ्री वाई ये एक्स टा पड़े तो थ्री वाई कैपिटल एक्स इंटू डो कैपिटल वाई डिवाइड बाय डो वाई ओके यहाँ हूँ स्मॉल वाई यहाँ हूँ कैपिटल वाई ओके नाउ बोथ साइड रे कौन करवा एक्स वाई द्वारा डिवाइड करवा ओके जेहेतु यू इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई नहीं है तो एक्स वाई द्वारा बोथ साइड आम डिवाइड करवा एक्स वाई द्वारा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई द्वारा ओके जदि फंक्शन टा एक्स वाई जेड थांता ओके यही थांता देन एक्स वाई जेड रे डिवाइड कर थांते दुईटा का अच्छे से एक्स वाई रे सब टर्म रे डिवाइड करवा और कौन पाई करूछे वेरिएबल को सेपरेट करिया पाई ओके वेरिएबल को सेपरेट करिया पाई तो कोई भी सेपरेट करिया देखो इटि एक्स अच्छे तो ये वाई गोटे रही जदि आम एक्स वाई द्वारा डिवाइड करवा देन वाईटा वाई सहित कैनसल होगा केवल मात्र एक्स का रोक से ही एक्स वाई द्वारा डिवाइड करा जाए ओके तो यहाँ हो टू एक्स डिवाइड बाय एक्स वाई तो वाई वाई कैनसल होगा डिनोमिनेटर खाली गोटे एक्स रोक कैपिटल एक्स तापर यहाँ डो एक्स बाय डो एक्स माइनस ये देख ये भी डिवाइड कर एक्स वाई द्वारा तो यहाँ कौन कैनसल हे एक्स गोटे कैनसल हो एक्स सहित तो रहा कैपिटल वाई तो थ्री स्मॉल वाई डिवाइड बाय कैपिटल वाई तापर डो वाई बाय डो वाई ओके डो कैपिटल वाई डिवाइड बाय डो स्मॉल वाई इक्वल्स टू जीरो बोथ साइड खाली एक्स वाई द्वारा डिवाइड करेछे नेक्स्ट कौन करवा
जो माइनस अच्छे ये आसने कौन हम प्लस होके या आर एच एस को नवा देख नेक्स्ट कौन कराई आर एच एस को अणाई आई कि ना तेज ये देख एल एच एस टा फंक्शन ऑफ एक्स ओनली आउ आर एच एस टा फंक्शन ऑफ वाई ओनली ओके से कौन हम एटा आउ एटा गोटे कांस्टेंट सहित इक्वल हेबे ही हेबे ओके जेहेतु एल एच एस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड आर एच एस इज ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली से दुटा टर्म जेकोसी गोटे कांस्टेंट सहित से इक्वल हम कांस्टेंट को भी बाछबार से कहीदेवी सो इन दिस इक्वेशन एल एच एस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड आर एच एस इज ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली एंड इफ दिस इक्वेशन इज सैटिस्फाइड ओके जो इक्वेशन टा सैटिस्फाइड होचे जेहेतु आम सल्यूशन को ये कनसीडर करे आउ ए वैल्यू को ये पुट करी देन इक्वेशन टा सैटिस्फाइड हम का कहीं यहाँ हूँ सल्यूशन आम कनसीडर करे सल्यूशन बोल की आउ जेहेतु सल्यूशन तो सल्यूशन टा इक्वेशन को सैटिस्फाई कर ही कर ओके आउ जो ये सैटिस्फाइड होन एल एच एस आउ आर एच एस जेकोसी गोटे कन्स्टाट सहित इक्वाल हम एंड इफ दिस इक्वेशन इज सैटिस्फाइड देन इच साइड मस्ट बी इक्वल टू सेम कांस्टेंट से के ओके मन कर से कांस्टेंट है के देन एल एच एस इक्वल टू के हम आर एच एस इक्वल टू के हम ओके जेहेतु यहाँ हूँ फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ फंक्शन ऑफ वाई से आज जेहेतु इक्वेशन टा सैटिस्फाइड हो तो यहाँ भी गोटे सेम कांस्टेंट सहित इक्वल हम यहाँ भी सेम कांस्टेंट सहित इक्वल हम से कराई आउ कांस्टेंट को भी बाछब देख इटी इटा हूँ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ओके सिंपल रही है या के बोली नल ओके कौन अच्छे डो सिंपल लिखे मुझे डो बाय डो एक्स इक्वल टू डो कैपिटल वाई बाय डो वाई बाकी सब टर्म छाड़ दे खाली बुझे देख जदि ये आसब ओके सिंपल थी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी देन से तुम्हें कांस्टेंट के नहीं पार एम नहीं पार पी नहीं पार जहाँ भी नहीं पार बाकी तुम लिख ये गोटे कांस्टेंट बोल ओके सेम कांस्टेंट लेट के यही लिख कांस्टेंट तुम जहाँ भी नहीं पार के नियो एम नियो पी नियो सी नियो जहाँ भी नियो ओके आदि यहाँ यही था डो एक्स बाय डो एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डो वाई बाय डो वाई जब यही था देन से तुम माइनस रे नबो माइनस के कि माइनस एम कि माइनस पी जहाँ भी ओके जदि ये प्लस रे अच्छे देन प्लस रे नबो आ जदि ये माइनस रे अच्छे देन ये माइनस रे नबो ओके ये गोटे ट्रिक मन रही था आ जदि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो अच्छे ये ओके ये कि खाली गोटे साइड भी थी पारे ओके ये देख ये डो स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डो एक्स स्क्वायर आउ ये डो स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डो वाई स्क्वायर स्मॉल वाई स्क्वायर ओके वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोली मुझे सॉरी यू कल ओके यू कदि ये अच्छे देन ये दुईटा टर्म रही ओके सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल टर्म दुईटा रही आउ जदि ये रहा बाकी सब कांस्टेंट भी थी जमी ये अच्छे ओके एमती भी थी पारे मुझे खाली तार बेस्टा कौचि जदि यही रहा देन से टाइम नब माइनस के स्क्वायर कि माइनस एम स्क्वायर कि माइनस पी स्क्वायर जहाँ भी नियो बट माइनस साइन टा रो सब स्क्वायर रोक ओके माइनस के स्क्वायर कि माइनस एम स्क्वायर कि माइनस पी स्क्वायर जहाँ भी नियो ओके दुईटा पाए भी यार पाए भी यार पाए भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन टा लास्ट को जदि यही आईला देन यही कांस्टेंट माने निया जाए ओके आदि यहाँ माइनस अच्छे डो स्क्वायर यू डिवाइड बाय डो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ डो यू बाय डो वाई किंबा यहाँ भी जो एंती हो कि इटी भी सेकेंड ऑर्डर था ओके यार भी ए टर्म रही जदि अर्डरटा टू था देन केस रे कौन कर सिंपल के स्क्वायर ओके जदिटा पॉजिटिव रे थिबो पॉजिटिव रे थिले तो माइनस नबो जदि नेगेटिव रे अछि देन एटा प्लस रे नबो बाकी स्क्वायर रे का नबो ओके किंतु एटा तार अल्टा होछि आ एटा जदि फर्स्ट ऑर्डर देन जदि प्लस अछि देन प्लस रे नबो जदि माइनस अछि देन माइनस नबो ओके आ एटा स्क्वायर नथिबो खाली सिंपल नबो के एम पी सी जहाँ भी आउ ये सेकेंड ऑर्डर थिले स्क्वायर रे नबो जदि एटी प्लस अछि
देन माइनस रे आ जदि माइनस हो जाए देन सो प्लस रे ओके इतक ही ट्रिक आती जो धरच दे चैप्टरटा हो ओके तो देख यहाँ जेहेतु फर्स्ट ऑर्डर एंड ये प्लस अच्छे से सिंपल के को सहित इक्वाल कले ये तुम के लिख पार एम लिख पार जहाँ भी लिख पार तो एल एच इक्वल्स टू के एंड आर एच इक्वल्स टू के ओके नाउ तो बर्तमान दुटा डिफरेंशियल इक्वेशन आम पाइले यहाँ ही कहुला ओके फर्स्ट जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे आम सेवरल डिफरेंशियल इक्वेशन रे सेपरेट करा जाए ओके आई डिफरेंशियल इक्वेशन टा जो आम सेपरेट करवा ओके ईच डिफरेंशियल इक्वेशन विल हैव ओनली ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये मत देख यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली फंक्शन ऑफ वाई ओनली ओके सीटा बर्तमान सैटिस्फाइड हो जाए तो या को सेपरेटली सॉल्व करवा ओके सेपरेटली सॉल्व कले देख या सॉल्व कले कौन हम टू एक्स बाई एक्स आउ टू एक्स को सीवट नि तो के बाय टू टू टाइम सी डिवाइड हो गला डो एक्सटा मल्टीप्लाई है एक्सटा डिवाइड हो गला तो डो एक्स बाय एक्स एंड ये देख ये भी सामान का डो वाई बाय वाई कैपिटल वाई आउ थ्री वाई बाय डो वाईटा एड पड़ेगा तो के बाय थ्री डो वाई बाय वाई सिंपल कैलकुलेशन अच्छे देखिपर ना ये कौन करवा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड तो हो जाए ओके तो वर्तमान इंटीग्रेशन बाहर कर बोथ साइड रे ओके तो बोथ साइड इंटीग्रेशन बाहर कले है के बाय टू तो कांस्टेंट से आउट साइड रहा ये भी के बाय थ्री कांस्टेंट से आउट साइड रहा ओके नाउ वन बाय एक्स रे इंटीग्रेशन कौन लॉन एक्स से ये लॉन एक्स ओके ये हूँ कैपिटल एक्स तापर ये के बाय टू रही वन बाय स्मॉल एक्स अच्छे डो एक्स बाय एक्स तो वन बाय एक्स रे इंटीग्रेशन लॉन एक्स तो ये लॉन एक्स लिखा है यहाँ स्मॉल एक्स यहाँ कैपिटल एक्स ओके तो के बाय टू लॉन एक्स जेहेतु इंडिफिनिट इंटीग्रल तो गोटे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी एड हो आ सब टर्म तो लॉन रे अच्छे तो से इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को भी लॉन रे नवा तो ये लिखते लॉन सी वन यार पाई सी टू नवा ओके तो ये भी देख वन बाय वाई रो लॉन वाई के बाय थ्री को के बाय थ्री रहा डो वाई बाय वाई वन बाय वाई रो क्या लॉन वाई आ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लॉन सी टू ओके नाउ देख के बाय थ्री टाइम मल्टीप्लाई हो तो वाई रो पावर हो पार लगारिथम पड़ लॉन एट द्वारा बी माने कौन बी लॉन ए माने ये जो मल्टीप्लाई अच्छे से यार पावर हो पार से अनुसार के बाय थ्री टा वाई रो पावर हो गला नेक्स्ट लॉन वाई द्वारा के बाय थ्री प्लस लॉन सी टू आहरी गोटे मत तुम जानी थो लॉन ए प्लस लॉन बी इक्वल्स टू कौन लॉन ए इंटू बी से अनुसार लॉन ए लॉन बी तो लॉन ए इंटु बी कर दियो लॉन सी टू इंटु वाई द्वारा के बाय थ्री ओके तो पोस देख ये लॉन वाई अच्छे ये लॉन सी टू वाई द्वारा के बाय थ्री तो लॉन लॉन कैंसल हो गले कैंसल हुए नहीं तुम जान कौ कैंसल हुए देख ये लॉन ए अच्छे ये लॉन बी अच्छे देन यहाँ कौन हम देख लॉन को जो सीबेट ना बोले कौन हम इट द्वार लॉन बी ओके इट द्वार लॉन बी आउ इट द्वार लॉन बी रही बी का हुए तो से अनुसार ए इक्वल्स टू बी डायरेक्ट डायरेक्ट लॉन लॉन को कैंसल करो नहीं सीटा भूल जाओ ओके नल बोथ साइड रे ई रो पावर नियो इट द्वार लॉन ए इट द्वार लॉन बी तो इट द्वार लॉन ए रैल्यू ए इट द्वार लॉन बी रैल्यू बी ए अनुसार इक्वल हो पार ओके ये कैंसल हुए तो से अनुसार नेक्स्ट कौन है वाई इक्वल्स टू सी टू वाई द्वार के बाय थ्री ओके आउ सेम मेथड को ये मत कराई मुझे देखुनी देख लास्ट वाला है सी वन एक्स द्वार के बाय टू तो लॉन लॉन कैंसिल होगी सी वन एक्स द्वार के बाय टू तो एक्स वैल्यू बाहर पड़ा कैपिटल वाई वैल्यू बाहरी पड़ा आउ सॉल्यूशन को आम कौन कनसीडर करे यू इक्वल्स टू दिस ओके यहाँ हूँ तार सॉल्यूशन टा तो यू इज इक्वल टू एक्स इंटू वाईटा थी कौन इक्वेशन टू रहा नाउ एवं जो वैल्यू बाहर कर एक्स एंड वाई एक्स वैल्यू वाई वैल्यू को आणिक ये पोट कर दियो सीटा हम फाइनाल सल्यूसन ओके जो एक्स वाई वैल्यू ये बाहर कले से दुटा वैल्यू खाली पोट करा हम किसी ना देर फोर सल्यूसन अफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज यू इज इक्वल टू एक्स वाई जोटा फास्ट लिखी थे से वैल्यू मान पोट कर सी वन एक्स द्वारा के बाय टू आ वाई वैल्यू सी टू एट द्वारा के बाय थ्री वाई द्वारा के बाय थ्री लिखीदल सी वन सी टू सी वन तो गोटे कन्स्टाट सी टू गोटे कन्स्टाट का
तो सी वन आ सी टू दुटा कन्स्टाट मल्टीप्लाई गोटे कन्स्टाट आसो आई कन्स्टाट मन कर कैपिटल सी तो यूज रहा सी एक्स द्वारा के बाई टू वाई द्वारा के बाई थ्री सी वन आ सी टू मल्टीप्लाई के सी हो जाए ओके तो देख ये लिखा वेयर सी इक्वल्स टू सी वन एंड सी टू दिस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ओके तो ये सॉल्व करा जाए आ जो मुझे कौ भाई कन्स्टाट नब ओके नेक्स्ट आगे जितकी आम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करवा ये मेथड को ही यूज करवा ओके कन्स्टाट कौ भाई निया जाए ओके कन्स्टाट कौ भाई निया जाए या तुम मन रखी देन हो आगे आम जी करवा मेथड को ही फॉलो करवा सो यहाँ मन रखी था सब वीडियो ये कहबे ओके सो जी नेक्स्ट पढ़ा नेक्स्ट आउ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन जो वीडियो की जाना पाला देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू।